एबीपी न्यूज के लिए पश्चिम बंगाल के करीब 150 और असम के 110 पत्रकारों ने एग्जिट पोल में हिस्सा लिया है। इस पोल के नतीजे इन पत्रकारों के अनुमान पर आधारित हैं। नमस्कार, आमी मनोज लोहीवाल आज लेकर हाजिर हो रहे हैं फिर एक बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री लेकर। लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कल सुबह सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे एबीपी न्यूज पर। सुबह 6 बजे से जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक और सर्वे। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है कि आखिरकार क्या होगा। जो बीजेपी कह रही है वो संभव हो सकेगा या दीदी एक बार फिर आएंगी और तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। तो हमने भी करीब 150 पत्रकारों के साथ एक सर्वे किया, क्या है उसके नतीजे, इसके लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो आदर्श झा के पास। देखिए, हाजिर हूं मैं आपके पास ये तमाम नतीजे लेकर। क्या कुछ पत्रकारों की राय है, क्या उनका मानना है। नतीजे करीब 14 घंटे के बाद आएंगे। कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे और सबसे पहले हर जानकारी, सटीक जानकारी आप तक एबीपी न्यूज के जरिए पहुंचेगी। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल और असम के पत्रकारों की क्या राय है, कौन जीत रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है विधानसभा चुनावों में। नतीजों को लेकर उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। कल सुबह 6 बजे से आप देखेंगे सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर। सबकी निगाहें कल पश्चिम बंगाल और असम पर होंगी। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं एक वर्चुअल हेलीकॉप्टर में मौजूद हूँ और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ऐतिहासिक इमारतें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके बारे में हम आप वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम सीटों का आंकड़ा भी बताते चलेंगे कि पत्रकारों को क्या लगता है, कहां पर किस कौन बाजी मार रहा है। सबसे पहले सुंदरबन रीजन की बात कर लेते हैं, वहां के क्या आंकड़े हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की कुल 26 सीटें इस रीजन में आती हैं, जिनमें 17 सीटें टीएमसी को जाती हुई दिख रही हैं और 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। बंगाल के एक पत्रकारों का एग्जिट पोल है, उनके मुताबिक 17 सीटें टीएमसी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं सुंदरबन रीजन में, जिसमें उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की 26 सीटें आती हैं। और लगातार सभी दलों की तरफ से दावे होते रहे, लेकिन पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है वो आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप आंकड़े देख रहे हैं, टीएमसी के खाते में 26 में से 17 सीटें सीधे तौर पर जाते हुई दिख रही हैं। अलग अलग रीजन बंगाल के, वहां का हाल हम आपको बताएंगे, क्या कुछ पत्रकारों को लगता है कितनी सीटें अलग अलग पार्टियों के पास जा सकती है। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं मनोज्ञा का। बांग्ला में कहावत है, जोतो मौत तोतो पौत, इसलिए अब आपको बताएंगे कि जितने मत हैं उतने पथ हैं। इसके लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवक्ता संबित पात्रा, स्वागत है संबित जी आपका। मानव जायसवाल जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से और आलोक शर्मा कांग्रेस से। सीधे संबित जी आप ही के पास, सबसे बड़े दावेदार हैं आप, क्या लग रहा है, जोतो मौत तोतो पौत या फिर सिर्फ एक ही पथ है और एक ही मत है जनता का इस बार। देखिए मनोज्ञा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से आपने मेहनत किया है पत्रकारिता जगत में, मैं खुद देख रहा था बंगाल में, आप बधाई की पात्र हैं। और दूसरी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको सुरक्षित रहने के लिए भी कहूंगा। और जो नड्डा जी ने आदेश दिया है कि कोई भी जुलूस ना करे, विक्ट्री जुलूस कहीं भी ना हो, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक जोतो मौत तोतो पौत, मुझे लगता है ये इलेक्शन एक वेव इलेक्शन, क्योंकि याद करिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2011 में हमारे पास मत प्रतिशत वोट शेयर जो था वो केवल 4% था, 2016 में 3 सीटें थी और मत प्रतिशत केवल 10% था, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम 45% से ऊपर वोट लेकर आए थे और अब हम कहीं ना कहीं 50% के वोट शेयर के आसपास जा रहे हैं। ये एक वेव इलेक्शन है और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2016 में जिस प्रकार से यूपी में हमने इलेक्शन देखा था कि किसी ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया था कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को आएंगी, मगर हमने 325 सीट देखा, तो एक उत्तर प्रदेश इफेक्ट भी कल जब मतगणना होगा तो वो देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक ही मौत एक ही पथ है, क्योंकि वो पथ भी भारतीय जनता पार्टी का है और ज्यादातर मत भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चुपे छाप कोमल छाप, चुप से कमल छाप को वोट देना और किस प्रकार से बीजेपी को आगे बढ़ाना है, लोगों के मन में यह विचार तो है जी। मानव जी, खेला होबे, तैयारी है पूरी कल के लिए?
नमस्कार मैडम, पहले तो आपके साथ हम सारे हमारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार, और स्टूडियो में जो हमारे मित्र बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। और एक काफ़ी संवेदनाएं हैं अभी हमारी जो पूरे देश में हो रहा है, और हम उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। और जहाँ तक मैडम खेला होबे है, तो मैडम कल हमारा खेला कुछ नहीं है, हमारी दीदी ने नेत्री ने बोला है कि अभी जीत तो हमारे पास है, बस सिर्फ व्हील चेयर से चेयर तक की दूरी हमको सफ़र करनी है। लेकिन उसके पहले दीदी ने बोल दिया है कि किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं है, कुछ तरीके से उल्लास हम नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देश पूरी तरह से ग्रसित है एक महामारी में, और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, अभी हमारा सारा केंद्र सारा ध्यान हमारा ये पार्शियल लॉकडाउन प्लस जिस तरीके से बेड को इंक्रीज करने में लग रहा है, जहाँ तक हमने कोशिश करी कि ऑक्सीजन हमारे साथ पर्याप्त हो, मिनिमम 7% ऑफ ऑक्सीजन हमको लगता है पर पेशेंट, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और कुछ एक ऑक्सीजन हैं जो बंगाल से दूसरे प्रांतों में भी जा रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ साथ दूसरे प्रांतों के साथ साथ भी एक समन्वय बना रहे हैं, और ये हमारा प्राथमिकता है। और जहाँ तक बात है मैडम जो नंबर्स के हैं, समित जी बुद्धिजीवी हैं, उनको दिव्य ज्ञान है। 2016 में जो प्रेडिक्शन था वो शायद भूतकाल में ही अभी भी बीजेपी जी रही है, चाहे वो 2016 हो चाहे 2019 हो, वो वर्तमान स्थिति से काफ़ी परे हैं, और उनके साथ उनके सामने जो चश्मा है वो इतना धुंधला हो चुका है कि उनके पास आलोक भी जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस से। जी मानव जी, हाँ, तो बीजेपी को वो दिख नहीं रही है। हमने काफी कुछ जो हमारे आलोक जी हमारे जो स्वागत है आपका इस डिबेट पर, आपसे पूछना चाहेंगे आलोक जी के पास चलते हैं। कांग्रेस 44 सीटों से शुरू की थी 2016 से, और इस बार पूरा गठबंधन है, लेकिन कैंपेन करने के लिए एक ही बार आए राहुल गांधी, और ये कह दिया कि उसके बाद की सारी रैलियां रद्द भी कर दी, हालांकि सूची जारी की ही नहीं थी कि रैलियां होंगी कब और कहां। अब जो आंकड़े आ रहे हैं इन पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है मनोज जी कि आज कौन से आंकड़े आ रहे हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो आंकड़ा है वो ये है कि देश की राजधानी में ऑक्सीजन अभी तक 15 दिन के हाहाकार के बाद नहीं पहुंच पाई है। ये आंकड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। कितने लोगों की उल्टी गिनती इस निकम्मी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने शुरू कर दी है, बिल्कुल सही उल्टी गलती शुरू कर दी। पूरे देश को मौत की भट्टी में झोंक कर अब संबित भाई कह रहे हैं कि अब आप सब सुरक्षित रहें, नड्डा साहब ने कहा है ना। इसलिए आज वैक्सीन का पीस जो ड्राइव शुरू होना था वो शुरू होने से पहले बंद हो गया, लेकिन बीजेपी को आगे बढ़ाना चाह रहा है पूरा देश, और खासतौर पे बंगाल। 6 महीने से पूरी सरकार वहीं बैठी हुई थी। अरे भाई, आप लोगों ने तो पूरे देश का खेला कर दिया। कल कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं पता, मतपेटियों में है, ईवीएम मशीन में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश हार रहा है, क्योंकि हम तो विश्व गुरु बन गए थे और सब चंगा सी। आज आंकड़ों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो खुद स्वयं में अपने आप में आत्मग्लानी महसूस हो रही है। हो सकता है आज दिशा रवि की अभी बात असम की भी होगी, बात आलोक जी असम की भी करेंगे। आलोक जी दिल्ली की बात तो कर रहे हैं, मैंने बंगाल पे सवाल किया, आप दिल्ली ले गए, लेकिन हम आपको वापस असम भी लेकर आएंगे। मनोज्ञा जी, आप किसके भी चुनाव की बात करेंगे, आज मेरे मुझे आज पैनलिस्ट होने के नाते शर्म महसूस हो रही है कि सिस्टम ने हमें कहां पहुंचा दिया है। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, गलत मत समझिएगा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज जिस तरह हाल में देश पहुंच गया, पूरे देश का खेला कर दिया इन लोगों ने, आज जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगले 15 दिन कहां जाएंगे, और आज हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आज हम कि किसका रहेगा, और यहां पर नड्डा साहब की फोटो चल रही है बहुत बढ़िया स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर बिना मास्क के। आसाम की भी बात करेंगे, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि मास्क लगाएंगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे। मुझे लगता है इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। पूरे देश को आपने जिस तरह से पूरी तरह से मौत, बिल्कुल होगी चर्चा, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस समय चल रही हूँ स्टूडियो आदर्श के पास। आदर्श जी, और अब अपने दर्शकों को ग्रेटर कोलकाता का हाल बता देते हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए हम आपको कोलकाता की बहुत सुंदर तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो तमाम अलग अलग जगहों की सीटें हैं वो बता देते हैं। ग्रेटर कोलकाता में देखिए 56 सीटें हैं, और पत्रकारों के मुताबिक वो पत्रकार जो जमीनी हकीकत समझते हैं, राजनीति समझते हैं, उनके मुताबिक टीएमसी के खाते में इन 56 में से 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के पास 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हुगली, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटें इन तमाम 56 सीटों में शामिल हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज का। फिर से शुरू करेंगे
संबित जी से। संबित जी, क्या कहेंगे आंकड़े अब ग्रेटर कोलकाता इन आसपास के इलाकों में? कैंपेनिंग तो बहुत की, आंकड़े भी कोरोना के वैसे ही बड़े हैं। जैसे आलोक जी कह रहे हैं, क्या नेताओं की रैलियां इनकी भी जिम्मेदारियां लेंगी बढ़ते मामलों की? देखिए मनोज्ञा जी, आपने हमें इस डिबेट में आंकड़ों के लिए बुलाया है, एक एग्जिट पोल के लिए बुलाया है, और किसी ने बाध्य नहीं किया था कांग्रेस पार्टी को कि आप आके इसमें भाग ले। वो जानते थे कि वो एग्जिट पोल में आ रहे हैं, फिर भी आए। जहां तक रैलियों का सवाल है, मैं आपको तथ्यात्मक रूप से दो चार विषय रख। सर्वाधिक केसेस फरवरी के महीने में केरल में था, आप देख लीजिए सर्वाधिक केसेस वहां था। उनके मुख्यमंत्री भी संक्रमित हो गए थे, मगर उस समय बिना मास्क के राहुल गांधी जी बच्चों के साथ वहां रैली कर रहे थे, स्कूल भी गए थे, पुशअप भी कर रहे थे, स्विमिंग भी कर रहे थे, मगर वहां उस समय सर्वाधिक केसेस थे। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक महीने के लिए, जब छत्तीसगढ़ में बहुत केसेस थे, वो आसाम में स्टेशन थे और आसाम के वो प्रभारी थे चुनाव के, उस समय इनको कोरोना दिखा नहीं, आज कोरोना कर रहे हैं। देखिए कोरोना बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आप 5 बजे के डिबेट में मैंने कोरोना पे सब कुछ किया है, आज आपने एग्जिट पोल पे मुझे बुलाया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ एग्जिट पोल को लेकर के, देखिए दो शब्द यहाँ याद रखने लगे, भय और जय। जहां तक एग्जिट पोल होता है, एक भय का माहौल बंगाल में हमेशा रहता है, लोग जो है वो हकीकत बताना नहीं चाहते, भले ही बीजेपी को वोट दे दे, बाहर आके बीजेपी का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको भय रहता है कहीं उनकी पिटाई ना, कहीं उनके ऊपर अत्याचार ना। तो एक भय के कारण जो भी एग्जिट पोल हो उसमें आप 10-15% जो है ऐड करें, इजाफा करें। और जॉय फैक्टर, जॉय मतलब उमंग, इस बार जिस प्रकार से लोगों ने कोरोना के रूल को मानते हुए 70-80% बाहर निकलकर वोटिंग किया है, ये वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है और केंद्र के लिए प्रो इनकम्बेंसी। मानस जी क्या कहेंगे, पूरी तरह एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है? एक्चुअली मैडम मैं बोलना चाहता हूँ कि संबित जी को थोड़ा सा बंगाल का ज्ञान नहीं है, ये शायद बंगाल को गुजरात समझ रहे हैं, जहाँ 60% वोट होता है तो बहुत बड़ी बात है, वो इनकम्बेंसी की वोट होती है, एंटी इनकम्बेंसी की नहीं होती। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहाँ 80-85-86-87-90% तक का वोट होता है हमारा, और हमारा ये इतिहास है, बंगाल एक ऐसा स्वतंत्र प्रांत है पूरे देश में और इतना ऊर्जित है कि जहाँ महिलाएं नया नया साड़ी पहनती हैं सिर्फ वोट वाले दिन के लिए, वो खरीदती है, स्वतंत्र प्रांत है? बंगाल स्वतंत्र प्रांत क्यों है? इसलिए मानसिकता से, सर स्वतंत्र प्रांत है। 70 साल की आजादी के बाद स्वतंत्र राज्य का क्या मतलब है, ये पूछेंगे आपसे एक बार फिर से। अभी फिलहाल चल रहे हैं मानव जी आदर्श के पास चल रहे हैं, उसके बाद फिर से आलोक जी के पास और आपके पास फिर से आएंगे। चलिए अब आपको जंगल महल रीजन का हाल बता देते हैं। यहाँ पर कुल 53 सीटें हैं और इन 53 सीटों में किसको कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सुंदर दृश्य तो हम आपको कोलकाता शहर का दिखा ही रहे हैं, अलग अलग जुमा के ऐतिहासिक इमारतें वो तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े भी देखते चलिए, ये बहुत अहम आंकड़े हो जाते हैं। जंगल महल में 53 सीटें हैं, इस पूरे रीजन में 27 सीटें टीएमसी के पास जाती दिख रही हैं, 24 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में दिख रही हैं। पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, इन जिलों की ये 53 सीटें हैं। और वो पत्रकार जो जमीन पर रहकर राजनीति को समझते हैं, लोगों के नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकारों का ये सर्वे है और उनके मुताबिक 27 सीटें टीएमसी, 24 बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं जंगल महल रीजन में। और यहां से ये सीटें किस तरीके से अगले रीजन की सीटें होंगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जंगल महल रीजन में ये तमाम सीटें इस तरीके से बट रही हैं जो पत्रकारों को लगता है। सीधा रुख करेंगे मनोज्ञा का एक बार फिर से। आलोक जी, जंगल महल और सिंगल डिजिट क्या कहेंगे इस पर? मैं तो वहीं पर अभी भी थोड़ी आत्मग्लानी हो रही है कि आज भी हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं। अभी संबित भाई ने कहा कि राहुल जी वहां पर रैलियां कर रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहता और वैसे भी कंकरेंट लिस्ट में है वो सब्जेक्ट। ऑक्सीजन की सप्लाई राहुल गांधी के हाथ में नहीं थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन राहुल गांधी ने एक्सपोर्ट नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया, ऑक्सीजन राहुल गांधी ने एक्सपोर्ट नहीं की, वैक्सीन के ऑर्डर्स राहुल गांधी ने नहीं दिए कि उनको उनकी जिम्मेवारी थी, राहुल गांधी के पास 300 सीटें नहीं थी, तब सब कुछ आपके कंट्रोल में था। इतने बड़े बड़े वेंटिलेटर्स के और पीएम केयर्स फंड में घोटाले हो रहे हैं और उसके बावजूद आप राहुल गांधी पर आपकी सुई अटकी। आलोक जी, मैं आपसे आम पूछती हूँ, आप अमरूद का जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे बंगाल के आंकड़े पूछ रही हूँ, आप फिर रेमडेसिविर पर चले गए, उसके लिए दूसरी डिबेट होगी, अभी बंगाल पर तो जवाब दे दीजिए अपने परफॉर्मेंस पर। सिस्टम कितना निर्दयी हो गया है,
इतने पेशेंट्स की उपचार चालू है और यहाँ हम बीजेपी को अभी इतने संख्या उसको मिल रहे हैं, इतने संख्या उसको मिल रहे हैं। आपकी रैलियां नहीं हुई है, अधीर रंजन चौधरी ने रैली नहीं की है बंगाल में, तब सिस्टम नहीं था। इलेक्शन आप अधीर रंजन चौधरी की रैलियों पर जवाब दे दीजिए ना, आईएसएफ की रैली पर अब्बास सिद्दीकी ने एक रैली मास्क लगाकर नहीं की है। कहा यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी ने भी इन 8 फेजेस को कम कर दीजिए, 4 फेज आते आते इतना बुरा हाल हो गया उसके बाद भी कि इसको इकट्ठा कर दीजिए। केवल एक बीजेपी थी जिसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि नहीं, मोदी जी की जब तक सारी रैलियां नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा। रैलियां बंद हो गई उसके बावजूद भी मोदी जी की वर्चुअल रैलियां होती रही। संबित जी जवाब दीजिए, मोदी जी की रैली के लिए चुनाव आयोग ने ये सारी नियमावली को चेंज किया है, आरोप है आप पर। देखिए मनोज्ञा जी, आप तो बहुत राजनीतिक विश्लेषण को समझती हैं, ग्राउंड पे रहती हैं। मनोज्ञा जी, पिछले वर्ष जब कोरोना का पहला कहर आया था उस समय बिहार का चुनाव चल रहा, आरजेडी और कांग्रेस ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अच्छा कर रहे हैं। उस समय जब बिहार में बहुत केसेस हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा चलिए वर्चुअल रैली करते हैं, सारी रैली कैंसिल कर देते हैं। आरजेडी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपोज करते, उन्होंने कहा ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी, कोरोना के रूल्स को मालूम कोरोना के। देखिए मैं बीच में बोलूंगा तो फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगा आलोक भाई, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था आलोक भाई, थोड़ा सा इंतजार करिए। और मनोज्ञा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आलोक जी को एग्जिट पोल पे डिबेट नहीं करना है तो इनको कितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाएंगे इस बीमारी के बाद, इसको नहीं करना चाहिए या तो इनको नहीं बुलाना चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर इनको तब के आंकड़े अलग थे, अब के आंकड़े अलग हैं, अब तो संबित जी अब तो तस्वीरें सामने आ रही थी लोगों की, अब तो तस्वीरें सामने आ रही थी। वाम मोर्चा और कांग्रेस ने कहा कि हम रैलियां नहीं करेंगे, टीएमसी ने भी बंद कर दी, बीजेपी को इतनी देर क्यों हो गई? नहीं, बीजेपी ने भी बंद किया, वर्चुअल रैली के माध्यम से किया। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि राहुल गांधी आखिरी दिन तक रैली कर रहे थे और जब उनको सिम्टम आ गया उन्होंने कैंसिल करके आ गए। राहुल गांधी देश के हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, राहुल गांधी ने जवाब मनोज्ञा जी मैं बीच में बोलूंगा उचित नहीं, सुनामी आने लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बैठ जाओ, देखिए इनको कोई सीट मिलेगी नहीं, बीच में लाना नहीं चाहता हूँ, अब मैं सबके बीच में बोलने वाला हूँ, फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। वो तो कर ही रहे हैं पूरे देश को, आप देखिए इनको कोई सीट नहीं हो पाएगी। स्वागत है आपका, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, कोलकाता ट्राम के शहर से सीधे चल रहे हैं दिल्ली आदर्श झा के पास, बताएंगे आपको मालदा के आंकड़े। देखिए लगातार हम आपको इस हेलीकॉप्टर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं आंकड़े, वो आंकड़े जो पत्रकारों को लगता है कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगे। आपको अब मालदा का हाल बता देते हैं, मालदा रीजन में 63 सीटें हैं, मालदा मुर्शिदाबाद नादिया उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर, और यहाँ पर 28 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। हालांकि अब नतीजे आने में बहुत वक्त नहीं है, लेकिन उसके पहले पत्रकारों का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, वो पत्रकार जो जमीन पर रहकर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के खाते में 21 सीटें और कांग्रेस के खाते में 14 सीटें मालदा में जाती हुई दिख रही हैं। ओवर टू यू। टीएमसी का गढ़ रहा है 2016 में, लेकिन 2019 में बीजेपी की तरफ पलड़ा चला गया है। मानव जी क्या कहेंगे, टिका पाएंगे इस बार इन नंबरों को? मैडम जो ये आंकड़ा है ना, दो जगह का जैसे जंगल महल और मालदा का जो आपने आंकड़ा दिखाया है, खैर आपकी रिसर्च पे मैं डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा जो अपना जो इंटरनल एनालिसिस है हमको यहाँ पर काफी इजाफा दिख रहा है। हमारी जो सरकार बनने वाली है कल, वहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हम काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम जो हुई थी 2019 में, जिस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ था, जो हमारे घर के विभीषण थे उन्होंने बीजेपी में चले गए, तो एक बहुत सारा आकलन हमको करने को मिला, हमने बहुत सारे होमवर्क करे, जिसके कारण हमको लगता है और हमको विश्वास है, लगता नहीं है, हमें विश्वास है कि जंगल महल और मालदा जैसे क्षेत्रों में हम काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी हमको नहीं लगता कि उसने सीट पाएगी कि नहीं पाएगी, लेकिन हम इससे बहुत ज्यादा सीटें लेके आएंगे। मनोज्ञा जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2000 का बेली लंका ढाए, विभीषण कह रहे हैं जो सब गए हैं बीजेपी से, जो टीएमसी से गए हैं बीजेपी में, तो फिर ममता बनर्जी सबसे बड़ी विभीषण होगी, क्योंकि वो तो खुद कांग्रेस से टीएमसी में आई थी और पूरे कांग्रेस के टीम को लेकर आई, उसके बाद टीएमसी में आई, तो सबसे फिर ये सारे लोग मेरे बीच में बोलते हैं,
मनोज्ञा जी बहुत गलत बात है, ये सारे लोग मेरे बीच में बोलते हैं ना मनोज्ञा जी, माना जी जब माना जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, माना जी प्लीज, मानव जी मेरा शो है, एकदम शांति, संबित जी बोलिए, एक करके प्लीज, संबित जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए अगर विभीषण है, कोई पार्टी चेंज करता है तो विभीषण नंबर वन तो फिर ममता बनर्जी ही है, क्योंकि वो तो खुद ही आई थी कांग्रेस छोड़ करके और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई थी। अब दूसरे विषय पर आते हैं, आप देखिए जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव का एक उदाहरण लीजिए, ममता बनर्जी ने खुद क्या कहा था अपने इंटरव्यू में, वो आप निकाल के देख सकते हैं। जब उनसे पूछा गया था, अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि 20 से ऊपर सीटें मिलेंगी, तो ममता बनर्जी ने कहा था बड़ो अंडा अंडा, ऐसे हाथ से बनाया था, ये बड़ा अंडा आएगा और कुछ नहीं मिलेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए मैक्सिमम जो भी ओपिनियन पोल दिए गए थे उसमें मैक्सिमम सीट हमें 7 सीट दी गई, हमें मिली 18 सीट। आप भी देख लीजिएगा जब ये ओपिनियन पोल आएगा, बड़ा अंडा जाएगा कांग्रेस पार्टी को, डांडा जाएगा टीएमसी को और सरकार मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरा जी आदर्श आप पकड़े आगे बताइए, उसके बाद आलोक जी के पास चलेंगे। आदर्श पहले आदर्श, उसके बाद बाकी दोनों से आंकड़े उत्तर बंगाल के। बंगाल के आंकड़े बता देते हैं अपने दर्शकों को भी और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी कि पत्रकारों को क्या लगता है। उत्तर बंगाल की बात कर लेते हैं जहां पर 28 सीटें हैं और 28 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए उत्तर बंगाल में 7 सीटें टीएमसी को और 20 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये बंगाल के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल है, अलीद्वारपुर, कूचबिहार, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उस रीजन की 28 सीटें हैं जिनमें से 7 टीएमसी, 20 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण बंगाल की। दक्षिण बंगाल में 66 सीटें हैं, ये उत्तर बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर बंगाल में किसको कैसे सीटें मिल रही हैं अब आपको दक्षिण बंगाल की सीटें भी दिखा देते हैं। 66 सीटों में 29 सीटें टीएमसी यानी ममता बनर्जी को मिलती हुई दिख रही हैं, 33 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व बर्धमान, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, वो इन तमाम जिलों की सीटें इन 66 सीटों में हैं और इसमें से 29 टीएमसी, बीजेपी 33 और 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोज्ञा, आलोक जी आपका जवाब बाकी था, क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? अब देखिए मैं नहीं, वो आंकड़ों पे कुछ कहेंगे ही नहीं क्योंकि मिल तो नहीं रहे एक भी सीट इनको, तो ये सारा मैटर अभी डाइवर्ट करेंगे और दूसरे विषयों पे बात करेंगे, इस विषय पे बात नहीं करेंगे अभी, हम केवल एक घंटे पर बात कर लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे केंद्र सरकार को भी घंटा दिया था और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से और हाई कोर्ट ने भी घंटा दिया है केंद्र सरकार को। जरा उस अंडे की भी बात कर लीजिए आलोक जी, इस विषय पे बात नहीं करेंगे। नहीं, मुझे बताइए जो सब विषयों पे आपने मत को रखा था, हम पूछ रहे थे आलोक जी ये डिबेट आंकड़ों पर हो रही है उसकी बात करिए, अगली डिबेट में बाकी बात करेंगे आपसे। और इन रैलियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्या बीजेपी उसके लिए माफी मांगेगी? क्या बीजेपी पूरे देश से माफी मांगेगी? पूरा मंत्रिमंडल 6 महीने तक वहाँ बंगाल में पूरा कोई चुनाव नहीं था, कोई रैली नहीं हुई, वहाँ प्रधानमंत्री बड़ी निर्लज्जता के साथ सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हुआ है, घूमते रहे और माफी हर दल को मांगनी पड़ेगी, हर दल को मांगनी पड़ेगी जिसने पूरे बल के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में कैंपेन किया है और आंकड़ों का ये हाल कर दिया। एबीपी न्यूज के लिए पश्चिम बंगाल के करीब 150 और असम के 110 पत्रकारों ने एग्जिट पोल में हिस्सा लिया है। इस पोल के नतीजे इन पत्रकारों के अनुमान पर आधारित हैं। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, सीधे कोलकाता से, लेकिन अभी आपने सुना बंगाल का क्या है हाल, अब आपको बताएंगे पूरे बंगाल में क्या है फाइनल आंकड़े और साथ ही साथ असम के भी। चलते हैं सीधा आदर्श झा के पास स्टूडियो में, हेलीकॉप्टर से दिखाएंगे आपको बंगाल का हाल। जी मनोज्ञा, बंगाल का हाल भी बता रहे हैं और बड़े मनोरम दृश्य भी कोलकाता के अपने दर्शकों को हम दिखाते चल रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के जरिए। और देखिए अगर पूरे बंगाल की एक बिग पिक्चर बड़ी तस्वीर की बात करें तो वो बड़ी तस्वीर क्या कहती है आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि जाने माने पत्रकार जो पश्चिम बंगाल के हैं उनको क्या लगता है किसके पास कितनी सीटें जा रही हैं वो हम दिखा रहे हैं आंकड़ों के जरिए। देखिए पत्रकारों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है और उसके मुताबिक 147 सीटें 292 में से ममता बनर्जी के पास जा रही हैं, टीएमसी के पास जा रही हैं, 120 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं
और 25 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई, कांग्रेस प्लस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के पास 120, टीएमसी के पास 147 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये सबसे बड़ी तस्वीर है, नतीजों में बहुत कम वक्त बचा है और उससे पहले पत्रकारों का ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। सीधा चलेंगे मनोज्ञा के पास। मानव जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन कल ये खुशी बरकरार रहेगी? मैडम, वैसे तो आपका आंकड़ा जो दिखा रहा है वो तो 147 दिखा रहा है, लेकिन ये खुशी का आंकड़ा नहीं है। बहरहाल हमारा आंकड़ा इससे काफी ज्यादा रहेगा और मैं उम्मीद नहीं करता, हमें विश्वास है कि हम इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी नेत्री ने जिस तरीके से कार्य का निर्वाह पिछले 10 सालों में किया है, इसके 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 विपक्ष में कोई है नहीं। और जहाँ तक बात है मैडम खुशी की, तो आंतरिक रूप से हम खुश होंगे, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो आज की डेट में जिस तरीके से कोविड की महामारी हमारे प्रांत में विकसित हो रखी है उसके लिए हम काफ़ी चिंतित हैं और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी पार्टियों से निवेदन करेंगे कि कल चाहे जो भी परिणाम हो, आप घरों में रहें, विश्वास रखें हमारी नेत्री का, उन्होंने कार्य का निर्वाह किया और हम निरंतर और परस्पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस महामारी से हम बाहर निकले। और जहां तक समित जी का सवाल है, समित जी कुछ एक बातें हैं सर आपको जाननी होगी। आलोक जी, कि ये जो 2019 की भूतकाल में आप लोग जो हमने काफी होमवर्क किया है 2019 के बाद, 2019 के बाद जो हमको दृश्य मिला आपके पार्टी आलोक जी, आलोक जी 2016 फिर 2019 2021 में, मानव जी एक मिनट आलोक जी से पूछ लें कि कांग्रेस इस बार क्या बेहतर करने की जगह और खराब कर गई? देखिए, मुझे लगता है कि जिसका तमाम वोटर शिफ्ट हुआ कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, उसी तरह का कहीं ना कहीं आकलन यहाँ पर नजर आ रहा है। और मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैं लेट से जुड़ा आपकी बात नहीं, एक्चुअली मेरे पास ना एक मोर आ गया था, मैं मोर को दाने खिलाने चला गया था। थोड़ा सा ना मतलब एक तरफ तोता बैठा था, एक तरफ मोर बैठा था, तो थोड़ा सा वहाँ बिजी हो गया था। लेकिन वैसे मुझे लग रहा है कि बीजेपी की जो ये शर्मनाक हार होगी ना, जो पूरा मंत्रिमंडल और सारा पीएम केयर फंड का पैसा वहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, और आपका घर कहाँ है जहाँ मोर आ जाते हैं? अरे आपका घर किस इलाके में है जहाँ मोर आ जाते हैं घर पर? द्वारका में है और द्वारका में काफी मोर है। जब सेवन रेस कोर्स परेशान है, नहीं सेवन रेस कोर्स में मोर पहुँच जाते हैं तो द्वारका में नहीं आ सकते? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा दाना खिलाया था, वो एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं चला गया था उधर। मुझे लगता है पूरा देश हार रहा है जी, अब मैं बोल लूं प्लीज मनोज्ञा जी, लेकिन पूरे देश को मोदी जी ने हरा दिया। वैसे मनोज्ञा जी, कल तो आप देखेंगे मनोज्ञा जी, कल तो कांग्रेस पार्टी कटोरा में ही नजर आएगी, आप चिंता मत करिए, वो आज से कटोरा लेके घूम रहे हैं, दाने खिला रहे हैं। कोई बात नहीं, वो कटोरे में है, आज भी कटोरे में है, कल भी कटोरे में रहेंगे, आने वाले समय में ही कटोरे लेकर, भगवान करे ऐसे कटोरे में ही रहे। चलिए अब मैं उत्तर दे, नहीं आप कटोरे खिलाइए, मोर को खिलाइए जाके, मैं तो अरे जो हाथ में है वही तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, कटोरा चाहिए ऐसे ही भगवान करे, कटोरा कभी थाली पे जाइए, इनको जरा शांत करिए मनोज्ञा जी, भाभी जी पापड़ बेच रहा है कोई, ये 35,000 करोड़ का बजट में रखकर भाग गया, बीच में फैला रहे हम देख समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे प्रिंसिपल की भूमिका क्यों निभानी पड़ रही है। मैं शांत हूँ, इनको बोलने दीजिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। संबित जी के पैनल में होने से होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, गुंडागिरी करेंगे करिए, मैं शांति से बैठा, मैं आंकड़ों के बारे में पूछ रही हूँ, कोई मोर खिलाने को चला जा रहा है। अगर ये बोल रहे हैं कि संबित जी को हम बोलने नहीं देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, मत बोलने दीजिए, जनता बोले, किसकी क्षमता है संबित जी आपको रोक ले, किसकी क्षमता है? आंकड़ों से परेशान हो गए क्या आलोक जी? आलोक जी मैं आपसे आंकड़ों के लिए पूछती हूँ, आप फिर मोर खिलाने को दाने खिलाने चले जाते हैं। संबित जी जवाब दीजिए, देश में जो हाल है, कौन दाने खिला रहा था, कौन पंच कस रहा है, आपका देश कमाल की बात है, मतलब आप डिबेट का विषय क्या है, यहाँ मोर कहाँ से आ गए हैं बताइए। मैं आप कंप्लीट कर लूँ मनोज्ञा जी, मनोज्ञा जी यहाँ पर आपने हमें 120 सी, मैंने आपको कहा था कि इसमें 15-20% फैक्टर करिए जो फियर फैक्टर, क्योंकि लोगों ने एग्जिट पोल में भी लोग बताते नहीं है बंगाल में, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। दूसरा है, आप बुरा मत मानिएगा, 110 पत्रकारों को लेकर आपने पत्रकारों का ये एग्जिट पोल किया है,
याद रखिए एबीपी न्यूज जो बंगाल का सबसे प्रमुख न्यूज है, उसमें बहुत वर्षों तक जो वहां के पत्रकार रहे हैं वो कंजर्वेटिव रहे हैं बीजेपी को लेकर, कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव रुख उनका रहा है। मुझे लगता है कल इन नतीजों में एक बड़ा तब्दील और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन आंकड़ों में अधिकतर रिपोर्टर्स एबीपी के नहीं हैं, इन आंकड़ों में एबीपी के रिपोर्टर से नहीं पूछा गया है, अलग अलग संस्थानों के रिपोर्टर्स हैं ये। कोई बात नहीं, मगर मुझे ऐसे बहुत स्पष्ट रूप से लगता है जैसे 19 में भी लोकसभा के चुनाव में हमें 7 से अधिक सीट नहीं दिया गया था मगर हमें 18 सीटें मिली, ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आलोक जी आप आज भी कटोरा में हैं, ईश्वर करे राहुल गांधी के हाथ में कटोरा दीजिए ना, आप क्यों कटोरा पकड़े बैठे, आपने तो राहुल गांधी और सोनिया जी कटोरा दीजिए ना, पूरा देश ऑक्सीजन मांग रहा है, सोनिया जी को कटोरा लेकर पूरे विश्व में पूरा देश कटोरा लेकर वैक्सीन मांग रहा है, हमें वैक्सीन दे दीजिए, 70 साल में बीमारी बना दिया वैक्सीन के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, पूरा देश कटोरा लेकर विश्व से मदद मांग रहा है, दुर्भाग्य है। देखिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े तो आपने देख लिए, अब आपको असम की बड़ी तस्वीर क्या है वो दिखा देते हैं, आपको इस रोपवे में लेकर चलते हैं और इस रोपवे के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि असम की बड़ी तस्वीर है क्या। तो पहले हम इस रोपवे में सवार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं और बताएंगे कि असम की बड़ी पिक्चर है क्या, असम में किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है। बहुत इंतजार नहीं करना है, कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे आपको एबीपी न्यूज पर मिलेंगे, लेकिन बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है आंकड़े देख लीजिए। 71 सीटें असम में बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं, 52 सीटें जो है वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। ये बड़ी पिक्चर असम की है, हालांकि बीजेपी लगातार दावा करती रही है असम को दोबारा जीतने का, लेकिन आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, बड़े पत्रकारों का सर्वे क्या कुछ कह रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे मनोज्ञा का। आलोक जी असम में तो बहुत कैंपेन किया था, वहां का जवाब दे दीजिए, ये आंकड़े देखकर आप कितना भरोसा है। अरे वो मोर के साथ बिजी है, मोर और तोते के साथ बिजी है, वो खाना खिला रहे हैं मोर को, उसको डिस्टर्ब करिए मत क्या जी। आलोक जी आप परेशान मत होइए, आप जाइए, आपके घर में मोर आया है। संबित जी आपके घर में, नहीं नहीं इनके घर में मोर आया है, क्यों आप परेशान कर रही है, कटोरा कटोरा में दाना लेके जाइए, चोर को खाना खिलाइए, प्लीज चोर को खाना खिलाइए। संबित जी, संबित जी आप जो बोल रहे थे तो ये नहीं बोल रहे थे, संबित जी बोल नहीं रहे थे, कटोरा ले लेके भाग रहे थे, ऑक्सीजन पे तो 35,000 तो कटोरा दिखा के बोल रहे थे, मैं गया था उसकी वैक्सीन दे दो, आपको बोल रहे थे कि मैं कटोरा में खाना खिला रहा हूँ मोर को। जी मैं फिर आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, असम संबित जी असम पे आप पर भी आऊंगी, पांच साल तक अगर असम के अंदर काम, संबित जी 5 साल तक अगर असम में काम किया था मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्यों चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी ने, मैं अभी भी आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, कितने रोहंगणिया मुसलमान वापस गए हैं और कितने घुसपैठिए वापस चले गए हैं, असम में कितने किलोमीटर फेंसिंग हुई है, एक सवाल का जवाब नहीं है। एनआरसी वेस्ट बंगाल में लागू होगा, असम में एनआरसी लागू नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल मेरा भी आलोक जी, जरूर आलोक जी पूछिए अपने आंकड़ों पर। आलोक जी एक छोटा सा सवाल आपसे, इतने अपने आंकड़ों पर आपको भरोसा है तो चुनाव के बाद अपने सारे विधायकों को जयपुर और बाकी सारी जगह ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई देश विदेश में इकट्ठा रखने के लिए? विधायक बनाने आपका सवाल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि है, लेकिन मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आसाम में जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा जो अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं, उनकी सोच इस तरह की है कि अगर मास्क पहनेंगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे, ऐसे लोग अगर चुनकर आएंगे जीत कर आएंगे तो इन आंकड़ों की क्या कीमत है। अभी कटोरे की बात हो, पूरा देश कटोरा लेकर आपने उन्हीं को पिड्डी के कारण भगा दिया था, आपने पार्टी जी आज वो कितने बड़े कटोरा लेकर पूरा देश आपने विश्व के सामने खड़ा कर दिया। संबित जी, संबित जी जवाब दीजिए, 5 साल से हेमंत बिश्व शर्मा आपके साथ हैं, देश आज कटोरा लेकर खड़ा है। आलोक जी एक मिनट, संबित जी बताइए असम की सरकार दोबारा आ पाएगी, टिक पाएगी? देखिए मनोज्ञा जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये ना कहा जाए कि भारत कटोरा लेकर विश्व, आलोक जी मैं इसका आलोक जी भारत कोई कटोरा लेके विश्व के सामने नहीं खड़ा है, कांग्रेस और सोनिया गांधी के इस विचार से मैं बिल्कुल असहमत, भारत कटोरा लेके खड़ा है,
सोनिया गांधी को बोलो जाके इटली में खड़ी होगी कटोरा लेके, आप नहीं आप सोनिया गांधी खड़ी होगी कटोरा लेके इटली में, ये मत बोलो कि भारत कटोरा लेके खड़ा है विश्व के सामने। इस प्रकार की गलत, इस प्रकार की गलत बातें मत बोलो, भारत खड़ा है कटोरा लेके, ये क्या है, ये किस प्रकार की भाषा है। वैक्सीन मांग से घूम रहे हैं आप लोग यहाँ पर प्रवचन, आपको शर्म नहीं आ रही है इस प्रकार से भारत में रहकर जो कहना है कहिए, देश की छवि विदेश में ना करिए कम से कम इस तरह से। आप ये मत कहिए कि देश भिकमंगा हो गया, ये क्या भाषा है, आप कह रहे हैं कि भारत भिकमंगा हो गया है, आप क्या कह रहे हैं भारत भिकमंगा। देखिए इटली वाले ही रहेंगे, ये कभी सोनिया गांधी हिंदुस्तान की हुई नहीं, कभी सोनिया गांधी हिंदुस्तान की हुई नहीं, इसीलिए सोनिया गांधी कह रही है कि भारत भिकमंगा है। शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी जी को शर्म आना चाहिए। सोनिया गांधी कह रही है कि भारत भिकमंगा है, सोनिया गांधी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत कटोरा लेके विश्व के सामने भिखारी की तरह फिर रहा है। शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी जी को, सोनिया गांधी आखिरकार हिंदुस्तानी कब बनेंगी, कब बनेंगी वो हिंदुस्तानी, वो आज तक हिंदुस्तान की नहीं हो पाई है। मुझे दुख लग रहा है कि आपके आप सारे विषयों पे सवाल पूछो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान भिखारी बन गया, यहाँ पर हिंदुस्तान भिखारी बन गया है, ये शब्द कांग्रेस के उचित नहीं, कांग्रेस को ये शब्द वापस लेने चाहिए। आलोक जी, हिंदुस्तान प्रवक्ता से हिंदुस्तानी भिखारी बन के शब्दों के चुनाव, कहा कि हम सब देशों पर निर्भर हो गए, ना आपने कहा कटोरा लेके विश्व में ध्यान रखें, आपने कहा कटोरा लेके विश्व के सामने भारत घूम रहा है, शब्दों के चुनाव पर ध्यान रखें, आप ऐसा शब्द ना कहें, भारत कोई कटोरा लेके नहीं घूम रहा है, पैसा दे के ले रहा है जो लेना है, राजनीति भारत पैसे दे के ले रहा है, कटोरा लेके नहीं खरीद रहा है। आप लोग इटली के लोग हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, सोनिया गांधी को बोलो ऐसे शब्द ना बोले, भारत के लिए कटोरा लेके भारत विश्व में घूम रहा है, भारत कोई भिखारी नहीं है, भारत कोई भिखारी नहीं है। आपके ये शब्द बहुत गलत और अश्लील थे, आपके ये शब्द अश्लील थे कि भारत भिखारी बन गया है, आपके ये शब्द अश्लील थे, आपको माफी मांगना चाहिए। लेकर देश के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, और देश के वोटर है, इसी देश का पासपोर्ट रखते हैं, आपका भी ख्याल यही देश रखता है, आपको ये देश काम बच जाए, इसलिए ये कहना कि देश जो है भिखारी बन के विश्व में घूम रहा है, ये शब्द उचित नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आदमी आपको माफी मांगनी चाहिए, आप एक समझदार व्यक्ति, ये किस प्रकार के शब्द है कि कटोरा लेके, आपने कहा कटोरा लेके विश्व के सामने खड़ा है, आपने कहा कटोरा लेके भारत, ना आपके एग्जैक्ट शब्द कटोरा लेके भारत विश्व के तमाम देशों के सामने घूम रहा है, नहीं मिल रही है, आपने कहा कटोरा लेकर भारत विश्व के सामने खड़ा है, भारत कोई कटोरा लेके विश्व के सामने नहीं खड़ा है। इस तरह के शब्दों का चयन शोभा देता है, भारत बिल्कुल कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया है, बीजेपी भारत पैसे देके ले रहा है जो लेना। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दो दलों ने जो दोनों केंद्र सरकार पर काबिज रहे हैं, वो देश के लिए इस तरह के शब्दों का चयन कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री मेरे साथ कोलकाता से, और बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार देश कटोरा लेकर घूम रहा है, ये कहना है प्रवक्ता आलोक शर्मा का कांग्रेस से। क्या आप अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं आलोक जी? बिल्कुल अपनी बात पर टिका हुआ, साथ ऑक्सीजन के लिए और इंजेक्शन के लिए कटोरा लेकर लाइनों में खड़ा हुआ है, सिलेंडर लेकर लाइनों में खड़ा हुआ है, बेड नहीं मिल रहा है, सच्चाई है ये। मनोज्ञा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ये भी आगे खड़ा हुआ है, ये भी बता दीजिए, उन्होंने कहा कि देश विश्व के सामने कटोरा लेके खड़ा है, मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान अपनी बात पर कायम करके ले रहा है, हिंदुस्तान जगह नहीं मिल रहा है तो पैसे देके ले रहा है, अपनी बात से पूरी तरह से काया हूं तो पैसे देकर ले रहा है, ये कहना है कि हिंदुस्तान भिखारी बन के आज विश्व के सामने घूम रहा है, कहा है कि भिखारी लगता है कांग्रेस, आपने कहा देश पकड़ा दिया, मैं विश्व के सामने घूम रहा है, हर आदमी आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, हर आदमी आज दवाई घूम रहा है, देश बिल्कुल अपनी बात की नहीं घूम रहा है, सब कुछ पेमेंट करके हाथ में इंपोर्ट कर रहा है, अगर किसी चीज का आवश्यकता है इंपोर्ट करके ले रहा है। मुझे ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, संबित जी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, बाकी राज्यों में जो हालात हैं, और आलोक जी महाराष्ट्र में जो हालात हैं, वहां पर आपकी सत्ता है, यूपी में आपकी सत्ता है, दोनों पार्टियों को दिख रहा है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, बाकी जगह तो आपको दिख रहा है, आपके राज्यों में क्या हो रहा है? मनोज्ञा जी मैं जवाब देता हूँ, मनोज्ञा जी नंबर एक, मैं सिर्फ इसी बात से आपत्ति करता हूँ कि हिंदुस्तान, आप हम आपस में लड़े, आपस में सवाल जवाब करें, मगर ये कहना कि हिंदुस्तान कटोरा लेके विश्व के सामने,
विश्व के सामने घूम रहा है, हिंदुस्तान के सामने बोलना, हिंदुस्तान कुछ भी फ्री नहीं ले रहा है किसी देश से। आलोकी जवाब दे दीजिए, इसको बातों को किस्मत कर रहे हैं, आलोकी जवाब दे दीजिए, नहीं है ये उचित सीजन और दवाइयों से बोल लूं, मैं आराम से बोल लूं उसके बाद ये जवाब देने दीजिए, एग्जिट पोल भटकाना चाहते हैं, मैं आराम से बोल लूं उसके बाद ये आलोकी जवाब बोल रहे थे तो मैंने संबित जी को बोलने नहीं दिया है। देखिए मनोज्ञा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पैसे देकर वैक्सीन ले रहा है, पैसे देकर जो भी लेना है विदेश से ले रहा है, हम भिखमंगे देश नहीं है जैसे कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये देश महान है। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ी विपत्ति है, हम पैसे से ले रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले सोनिया जी ने महाराष्ट्र को बधाई दी कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कोविड को मैनेज कर रही है, अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं महाराष्ट्र के सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ केंद्र दे रही है। मतलब सोनिया जी बधाई किसको दे रही, जो राष्ट्र जो राज्य 60% केसेस के जिम्मेदार है, सर्वाधिक डेथ 1000 डेथ पर डे महाराष्ट्र से हो रही है, उसको सोनिया गांधी कह रही है कांग्रेचुलेशन यू आर मैनेजिंग कोविड वेल, ये किस प्रकार की बात है? सोनिया गांधी जी खुश है महाराष्ट्र की स्थिति से? सोनिया गांधी जी खुश है नहीं, आप बताइए खुश क्यों है सोनिया गांधी? महाराष्ट्र में 1000 लोगों की मृत्यु हो रही है, उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिख रहे हैं आपको संबित जी? मनोज्ञा जी मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं तो बधाई नहीं दे रहा हूँ संबित जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर के हालात दिख रहे हैं आपको? मनोज्ञा जी दिख रहे हैं, तभी तो बधाई हम नहीं दे रहे हैं ना, हम बधाई दे रहे हैं क्या कि बहुत बधाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए? मगर सोनिया जी ने 3 दिन पहले बधाई दी है ना एनडीए सरकार कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मैनेजमेंट हो रहा है ये बधाई की योग्य है, 1000 लोगों की मृत्यु सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हो रही है, विफलता है क्या सरकार की इसमें? बजाय देखिए सफलता या विफलता ये क्या है सरकार की? देखिए कल जब काउंटिंग होके आएगा जनता इसका जवाब देगी, आसाम में भी जनता जवाब देगी, बंगाल में भी देगी, पुडुचेरी में भी, केरला में भी और तमिलनाडु में, पांचों राज्य में जनता जवाब देगी कि कौन सा सरकार काम कर पा रही है, कौन सा सरकार काम नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के क्रिटिसिज्म पर भी जवाब देगी। कल समय नहीं, अब हमारे पास समय नहीं, हमारे पास जनता जनता कल जवाब देगी, कल सुबह 6 बजे से जुड़िएगा एबीपी न्यूज के साथ क्योंकि सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे एबीपी न्यूज पर। फिलहाल मेरे पैनलिस्ट संबित पात्रा बीजेपी से, आलोक शर्मा कांग्रेस और तृणमूल से मानव जायसवाल, सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन ईवीएम में ही अब खुलेगा कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।